देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। मीडिया श्रावस्ती में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रावस्ती जनपद में सड़क बदहाल होने के कारण जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें, भिनगा से लक्ष्मणपुर मार्ग की दयनीय दशा लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। कई वर्षों से लगातार मांग निर्माण की उठती रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मार्ग निर्माण की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ने आमरण अनशन शुरू किया है। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विजय शुक्ला ने गुरुवार को मार्ग निर्माण की मांग को लेकर जिलाधिकारी टीके सिबू को ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मणपुर मार्ग पर सड़क किनारे बैठकर आमरण अनशन शुरू किया है। विजय शुक्ला ने कहा कि भिनगा से लक्ष्मणपुर मार्ग कई सालों से बदहाल है। सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि वाहन तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ने सैकड़ों गांव के लिए मुख्यालय तक पहुंचने का यह एकमात्र रास्ता है। पहाड़ी नालों में बाढ़ आने के बाद मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हैं। 4 दशक पूर्व बनी मार्ग के सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को अस्पताल जल्दी पहुंचना है तो मार्ग की बदहाली के चलते रास्ते में उसकी मौत हो जाएगी। विजय शुक्ला ने कहा कि उनकी ओर से यह आमरण अनशन अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। अब या तो मार्ग का निर्माण होगा या फिर आमरण अनशन में मेरी जान चली जाएगी। इनकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि मार्ग निर्माण के लिए प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों के आगे लोग अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन मार्ग का कोई हल नहीं निकला है। आज मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विजय शुक्ला, जो आज आमरण अनशन लक्ष्मणपुर बाजार में कर रहा हूं, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि उन बड़े बेनकाब नेताओं को बेनकाब किया जाए जो आज तक कहते चले आ रहे थे कि जिला प्रशासन में इसका टेंडर हो चुका है। अभी तक इसका टेंडर भी नहीं हुआ है। अभी तक भिनगा लक्ष्मणपुर मुख्य मार्ग का प्रमुख सचिव ने स्वीकृति नहीं दिया है। इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी श्रावस्ती को अल्टीमेट चेतावनी भी दिया था कि 7 साल तक आप कोई प्रभावी निर्णय लें। जिलाधिकारी श्रावस्ती ने कोई निर्णय नहीं लिया। आज से मैं आमरण अनशन पर बैठ गया हूँ। अगर इस अनशन में मेरी जान जाती है तो इसके जिम्मेदार श्रावस्ती प्रशासन और यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार होगी। और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे क्षेत्र के जो जनता हैं वो हमारा साथ दें, जिससे हम इस हठीली सरकार से जो है निर्माण कार्य सड़क का कराया जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय।